दक्षिण कोरिया की दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनी किया कॉर्पोरेशन की नई इलेक्ट्रिक एसयूवी कार किया EV6 को जबरदस्त रिस्पांस मिला है। किया ने हाल ही में अमेरिका में EV6 की बुकिंग शुरू की थी। रिपोर्ट के मुताबिक बुकिंग शुरू होने के कुछ ही घंटों में कार का पहला लॉट बिक गया। पहली लॉट में इस इलेक्ट्रिक कार की 1500 यूनिट्स रखी गई थी, जिन्हें ग्राहकों ने कुछ देर ही बुक कर डाला। EV6 इलेक्ट्रिक एसयूवी की खासियत यह है कि इसकी बैटरी को सिर्फ 5 मिनट में इतना चार्ज किया जा सकता है कि यह 112 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है। बता दें कि किया मोटर्स की यह इलेक्ट्रिक कार ज्यादा रेंज देने वाली टेस्ला की कारों को कड़ी टक्कर देगी। किया ने नई कार की बुकिंग को बढ़ावा देने के लिए कई आकर्षक ऑफर्स की पेशकश की थी। कंपनी इस ऑफर्स के साथ ग्राहकों का ध्यान अपनी नई कार की ओर खींचना चाहती थी। इन ऑफर्स में एप्पल वॉच, कार के लिए होम चार्जर और एक नेशनल चार्जिंग नेटवर्क के भीतर 1000 kWh क्रेडिट शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक किया ने बताया कि किया EV6 इलेक्ट्रिक एसयूवी को बुक करते समय ग्राहकों ने एप्पल वॉच की बजाय होम चार्जर को ज्यादा पसंद किया। किया EV6 कंपनी की पहली डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक कार है, जिसे हाल ही में पेश किया गया था। किया EV6 कार कंपनी के नए EV प्लेटफॉर्म EGMP या इलेक्ट्रिक ग्लोबल मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई है। इस प्लेटफॉर्म को हुंडई आयोनिक 5 में भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसे SUV को 3 ट्रिम्स EV6, EV6 GT और EV6 GT लाइन में पेश किया गया है। इसके अलावा किया EV6 कंपनी की नई डिजाइन फिलॉसफी का पहला उदाहरण है, जो कंपनी की आने वाली कारों में दिखाई देगी। EV6 को ब्रांड के नए डिजाइन फिलॉसफी ओपोजिट्स यूनाइटेड के तहत डिजाइन किया गया है, जो प्रकृति और मानवता में पाए जाने वाले विरोधाभासों से प्रेरणा लेता है। इस इलेक्ट्रिक वाहन में कंपनी का नया लोगो भी देखने को मिलेगा। किया EV6 इलेक्ट्रिक कार में 2 बैटरी पैक मिलेगा। लॉन्ग रेंज वेरियंट में 77.4 kWh का बैटरी पैक दिया गया है। वही कार के स्टैंडर्ड वेरियंट में 58.0 kWh का बैटरी पैक मिलता है। EV6 ग्लाइन में ये दोनों बैटरी पैक दिया गया है, लेकिन EV6 GT को सिर्फ लॉन्ग रेंज बैटरी पैक मिलेगा। EV6 की लंबाई 4680 mm, चौड़ाई 1880 mm और ऊंचाई 1550 mm है। इस कार का व्हील बेस 2900 mm का है। इसमें 168 किलोवाट पावर का इलेक्ट्रिक मोटर दिया गया है, जो 229 PS का पावर जनरेट करता है। वहीं 4WD ई-लर ड्राइव वेरिएंट में 239 किलोवाट पावर का इलेक्ट्रिक मोटर दिया गया है। यह मोटर 325 PS का पावर जनरेट करता है। यह इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर SUV सिर्फ 5.2 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है। EV6 का स्टैंडर्ड रेंज वेरिएंट के 2WD ई-लर ड्राइव वेरिएंट में 125 किलोवाट का इलेक्ट्रिक मोटर दिया गया है। किया EV6 इलेक्ट्रिक कार में 800 वोल्ट और 400 वोल्ट का चार्जिंग सिस्टम मिलता है। यह EV6 कार को सिर्फ 18 मिनट में 10% से 80% तक चार्ज कर देती है। खास बात यह है कि यह इलेक्ट्रिक SUV सिर्फ 4 मिनट 30 सेकंड में इतना चार्ज हो जाती है कि 100 की दूरी तक का सफर आसानी से तय कर सकती है। कंपनी का दावा है कि किया EV6 इलेक्ट्रिक SUV फुल चार्जिंग पर 510 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज देगी। हाल ही में लॉन्च किए गए आयोनिक 5 के ज्यादा स्ट्रीमलाइन लुक से उलट किया EV6 में एक क्रॉसओवर जैसी डिजाइन दी गई है। किया EV6 के फ्रंट में कार निर्माता का नया लोगो दिखाई देता है। इसमें टॉप पर दी गई एक पतली ग्रिल के साथ एक बड़ा हेडलाइट क्लस्टर दिया गया है।
इसमें सिक्वेंशियल एनिमेशन के साथ DRL भी दिए गए हैं। कार के ओवरऑल फ्रंट लुक में नया डिजाइन एलिमेंट दिखाई देता है, जिसे किया डिजिटल टाइगर फेस कहती है। यह कार निर्माता की सिग्नेचर टाइगर नोज ग्रिल के लुक को उभारती है। हालांकि किया EV6 का फ्रंट लुक कंपनी की रेगुलर कारों से काफी अलग दिखता है। EV6 के इंटीरियर की बात करें तो किया आपको इस सेगमेंट की किसी कार से ज्यादा स्पेस देने का वादा करती है। जहां Hyundai में एक फ्लैट डैशबोर्ड डिजाइन मिलता है, वहीं EV6 में ड्राइवर की सीट के चारों ओर कॉकपिट को समेटा गया है। इसमें एक बड़ा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और सेंट्रल इंफोटेनमेंट स्क्रीन को एक घुमावदार ब्लैक डैशबोर्ड में इंटीग्रेट किया गया है। इसमें एक टू स्पोक स्टीयरिंग व्हील दी गई है। सामने की सीटों के बीच एक फ्लोटिंग दो मंजिला सेंटर कंसोल मिलता है, जिसमें स्टार्ट बटन, रोटेटिंग गियर लीवर मिलता है। इसके साथ ही एक काफी स्पेस वाला स्टोरेज कंपार्टमेंट जैसा भी कुछ मौजूद है। तो दोस्तों, ये थी किया की इलेक्ट्रिक EV6 के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को मित्रों के साथ साझा करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई गाड़ी की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।